जो काफी अच्छी है और अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है विद न्यू थिंग्स विद न्यू स्पेस, तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट हर सेक्टर से आते हैं और मूवी ब्लॉग्स के बाद इतना क्लीन सीट्स होते हैं कि वो सारे वीडियोस को ले पाते हैं। देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि जब अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज को आप डेवलप करेंगे ना अपने अंदर, तो ये जरूर होगा, क्योंकि पर डे 5 वीडियो लाना है और पर डे 5 वीडियो जो डिफरेंट कंटेंट का लाना, तो ये कंटेंट आना एक मतलब पॉजिटिव चीज़ है कि हर चीज़ का थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं, एक ब्यूटीफुल टच ऑफ स्टोरी लाइन दिखाते हैं। और मूवी व्लॉग्स ऐसा नहीं करता कि वो डिस्क्रिमिनेट करता है, अगर आप में कंटेंट है, अगर आप में कुछ तो बात है, तो आप मूवी रिव्यू व्लॉग्स के साथ हैं और मूवी व्लॉग्स आपको हमेशा अपने साथ रखकर एक रिप्रेजेंटेशन को दिखाएगा कि हम वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि आज ये वीडियोस में उतनी रीच नहीं है या उतनी व्यूज नहीं, अगर वो कंटेंट है तो वो आएगा, लॉन्च होगा। और स्टोरी लाइन सबसे बेटर होता है कि हर क्रिएशन के पीछे बहुत हार्डवर्क होती है, हम लोग रियलिटी है कि एक छोटा सा रिव्यू कर देते हैं एंड उसे जज कर लेते, नहीं, एक उसे एक रिप्रेजेंटेशन दिखाना, मेरे रिव्यू में आपको बेसिकली जजमेंट कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, एक अप्रोच दिखेगा एक ब्यूटीफुल कंटेंट का। तो भाई लिटरली कैसे बताएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं।